नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि चपटे और आज हम देखेंगे विशेषण में परिमाणवाचक विशेषण के भेद। सबसे पहले देखो विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे गुलाब का फूल सुंदर है, वहां बहुत भीड़ थी, हम तीन भाई हैं, मुझे थोड़ा पानी दे दो, कौवा काला होता है। इन वाक्यों में सुंदर, बहुत, तीन, थोड़ा, काला, यह विशेषण है। विशेषण के आठ भेद हैं। उनमें गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, तुलनाबोधक विशेषण और संबंधवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। जो विशेषण संज्ञा के परिमाण का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जो विशेषण संज्ञा की मात्रा, वजन, नाप, तोल के परिमाण की विशेषता बताते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे किसान ने 1 लीटर दूध खरीदा, मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, वहां बहुत चिड़िया थी, कुछ लोग घर चले गए, रमेश थोड़ा पानी पी लो। इन वाक्यों में 1 लीटर, 2 मीटर, बहुत, कुछ, थोड़ा, यह परिमाणवाचक विशेषण है। अब हम परिमाणवाचक विशेषण के भेद देखेंगे। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद है, उसमें से पहला भेद है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण वस्तु की मात्रा, वजन, नाप, तोल का निश्चित ज्ञान देता हो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रवि ने बाजार से 10 किलो आलू खरीदे, राजू के नाम पर 5 एकड़ जमीन है, मुंबई से दिल्ली 1500 किलोमीटर है, रघु 1 लीटर पानी पी गया। इन वाक्यों में 10 किलो, 5 एकड़, 1500 किलोमीटर, 1 लीटर, इन विशेषण से हमें वस्तु की मात्रा, वजन, नाप तोल का निश्चित ज्ञान होता है, इसीलिए ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण का दूसरा भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण वस्तु की मात्रा, वजन, नाप तोल का निश्चित ज्ञान न देता हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे चाय में थोड़ी चीनी डालना, मेरे पास ढेर सारा पैसा है, थोड़ा पानी पी लो, कुछ आम खराब हो गए। इन वाक्यों में थोड़ी, ढेर सारा, थोड़ा, कुछ, इन विशेषण से हमें वस्तु की मात्रा, वजन, नाप तोल का निश्चित ज्ञान नहीं होता, इसीलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अगली वीडियो में हम संख्यावाचक विशेषण के भेद और उपभेद देखेंगे। धन्यवाद।